लेकिन ये याद रखिए कि मौत का मरहला अगरचे मुश्किल है मगर उससे अगला मरहला थोड़ा और मुश्किल है और वो कबर का मरहला है कबर जो है वो जन्नत के बागों में से या तो एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्यों कबर अभी तो फैसला ही नहीं हुआ तो कबर में क्यों ये पकड़ हो गई हाँ फैसला तो बाद में होगा लेकिन होता यह है कि आप जैसे काम करते हैं जैसा टिकट लेके जाते हैं उसी क्लास के वेटिंग लाउंज में बैठते हैं आप ट्रेन पे जाए तो आपको वेटिंग लाउंज कैसा मिलेगा आप जहाज पे सफर करें इकोनॉमी क्लास है तो किसी और तरह की जगह पे बैठेंगे बिजनेस क्लास है तो सी आई पी लॉन्च जो है वो आपको बेहतर सहूलत फराम की जाएगी वहां और अगर आप कोई कहीं का, का कानून तोड़ के जा रहे हैं तो आपने कफ लोग देखे होंगे कभी तो जहाज में शायद देखने का इतफाक हुआ एयरपोर्ट पे कभी तो, तो ट्रायल हुआ ही नहीं तो क्यों इनको हथकड़ियां लग गई हैं तो बस यही कैफियत समझिए कि ट्रायल तो आखरत को होगा लेकिन उससे पहले जिस रंगे हाथों जहां जैसे को पकड़ा गया उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होगी और जितना भी अरसा कब्र में होगा इंसान की पूछ होगी और इस पर दलील है सूरत की आयत जो आले फिरौन के बारे में आता है मजीद में आता है वहा कब अजाब फिरबरौन जब डूबा और उसकी कौम पीछे डूबी उसके तो फरमाया और आघेरा आले फिरौन को बदतरीन अजाब ने उसी वक्त वो अजाब में मुबतला हुए अन्नार, आग, वो तो पानी में जा रहे थे आग कहाँ से आ गई अशिया, पेश किया जाते हैं उस पर सुबह और शाम, तकुम और जिस दिन क्यामत कायम होगी अगली जिंदगी में कहा जाएगा अदखिलु आला फिर अशद्दल अजाब दाखिल करो फिर की आल को शदीद तरीन अजाब में तो ये आयत मरने से लेकर के के दिन के अरसे में भी अजाब की दलील है कि आप को इमेजिन करें तो उसके पास दो सह आंखों वाले फरिश्ते आते हैं उनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नकीर है दोनों उससे पूछते हैं तो तुम इस आदमी के बारे में क्या कहते हो यानी मोहम्मद के बारे में वो कहता है कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दोनों फरिश्ते हैं हम समझते थे कि तुम यही जवाब दोगे और उसे रोशन कर दिया जाता है फिर बंदे से कहा जाता है सो जाओ वो कहते हैं मैं अपने घर वालों के पास वापिस जाकर उन्हें खबर देना चाहता हूँ कि मेरा अंजाम अच्छा है फरिश्ते जवाब में कहते हैं ये मुमकिन नहीं अब तुम दुल्हन जैसी

चुनाचे वह तंग हो जाती है उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं मुनाफिक अपनी कब्र में क्यामत का किसी अजाब में मुबतला रहता है तो इससे पता चलता है कि बरजह का ये जो वक्त है दुनिया और आखिरत के बीच का टाइम चाहे वो कब्र में हो चाहे वो कोई समुन्दर की टाइम में हो चाहे वो कहीं पर भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कब्र सिर्फ एक स्पेसिफिक गढ़े का नाम ही नहीं कब्र वही जगह है जिस जगह भी किसी को दफन किया गया क्योंकि रूहें तो बहरहाल इन से जींद में चली जाती हैं

इसी तरह अपने मसूद की रिवायत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे ये खतरा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें अजाब कब्र सुनवा देता ताकि तुम दुनिया में इस सुन लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि यह क्या चीज है ये सही मुस्लिम की रिवायत है हजरत आशा से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज दिन यानी आधा दिन गुजरे घर से बाहर निकले इस हाल में कि आप चादर में लिपटे हुए थे और आंखें सुर्ख हो रही थी और आप बुलंद आवाज से फरमा रहे थे ऐ लोगो अगर तुम जान लो जो मैं जानता हूं तो थोड़ा हंसो और ज्यादा रो ऐ लोगो अजाब कबर से अल्लाह की पनाह तलब करो बेशक अजाब कबर बरहक है एक और रिवायत में आता है कि अहल कबर की आवाजों को इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी मखलूक सुन सकती है इसी तरह हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में काफिर के पास दो सांप भेजे जाते हैं एक उसके सर की तरफ आता है दूसरा पांव की तरफ और उसको बार बार डसते हैं। तो बहरहाल अजाब कबर की जो बात है ये पहली उम्मतों में भी इसका कॉन्सेप्ट मौजूद था इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है हमें जो हर नमाज के बाद मांगनी चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी अबीका मिन अजाबल कबरी का मिनफन मसीह अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह में आता अजाब कब्र से और तेरी पनाह में आता, पना आता, पना आता से कर्ज से इसी तरह कुछ और दुआएं भी हैं तो इसलिए वो चीज जिससे हम सबको वास्ता पेश आना है जहाँ कोई भी नहीं होगा अंधेरा होगा तन्हाई होगी सब छोड़कर चले जाएंगे कोई कितनी भी मोहब्बत करे कितना भी साथ दे लेकिन एक दिन छोड़ आते हैं अजीज प्यारे दोस्त रिश्तेदार उस तन्हाई के औकात को याद किया करें रात के अंधेरों में तन्हाई के औकात में और फिर उस वक्त उन अच्छे अच्छे कामों के बारे में सोचें जो कल वहां पर फायदा देने वाले हैं क्योंकि इंसान का जब हिसाब होगा तो उसकी नमाज उसका सदका उसका कुरान उसकी बाकी जो नेकियां हैं वो दाएं बाएं आगे पीछे आ जाएंगी और उसके बचाव का जरिया बनेंगी वो उसको कवर कर लेंगी जब बाकी सब साथ छोड़ जाएंगे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए